हे गाइस, वेलकम बैक टू डिस्कवरिंग नियर बाय। आई एम संकेत कश्यप और आज हम बात करने वाले हैं डाटा केबल्स के बारे में। बेसिकली ये DSL की केबल्स हैं और ये मार्केट में भी मेरे हिसाब से नई आई हैं और मैंने सब खरीद ली हैं। USB A to Lightning, USB A to Micro, USB C to USB-C, USB A to USB-C, USB C to Micro, ये 5 ही अवेलेबल थी तो मैंने सारी खरीद ली है। तो आज मैं इनका रिव्यू करूंगा और मैं बताऊंगा मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन। तब तक आप पहले एक काम करिए, प्रथा के हिसाब से जो चलती आ रही है आप इसकी एक अनबॉक्सिंग देख आइए। और अनबॉक्सिंग देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कहीं से भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मैंने खुद खरीदी है अमेज़न से। तो जाइए आप अनबॉक्सिंग देख के आइए, फिर इसके बारे में बात करते हैं। तो ये है वो अमेज़न का पैकेट जिसके अंदर आई है, इसे खोलते हैं और ये है 5 केबल्स। और सबसे ज़्यादा जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ वो है ये USB A to Lightning, क्योंकि मुझे आईफोन की केबल्स के लिए थोड़ा क्वालिटी इशू रहता है कि कोई बढ़िया केबल यूज़ करूँ तो सबसे पहले मेरे को ये यूज़ करना है। और आप देख सकते हैं पीछे लिखा हुआ है कि ये किन किन मॉडल के साथ यूज़ हो सकती है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ और भी लिखी हुई है, टैंगल फ्री वगैरह ये सब। और इसे काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बेंड टेस्ट भी किया है तो काफ़ी मजबूत है। तो चलिए करते हैं इसे ओपन। तो ये रही केबल और अब इसे निकालते हैं बाहर। तो आप देख सकते हैं Duracell की ब्रांडिंग का एक ये टैग भी लगा हुआ है ताकि आप इसे आसानी से बांध के रख सकें। तो ये काफ़ी अच्छी है और इसे छूकर ही फील हो रहा है ये कितनी स्टर्डी है, तो ये बहुत ही बढ़िया लगी मुझे। लगभग कहीं से भी चीप नहीं लग रही, तो अगर ये 1000 रुपये की है तो अपने प्राइस को ये जस्टिफाई कर रही है। तो मुझे ये केबल बहुत बढ़िया लगी। और ये काफ़ी लंबी है, जो लिखा हुआ लेंथ इसमें शायद 1.2 मीटर, ये उतनी ही है। तो इसके बाद अब हम खोलते हैं दूसरी केबल्स और ये है USB C to Micro केबल। अब ये जो नए चार्जर्स आए हैं और उसके साथ अगर आपके पास कोई पुराना फ़ोन है या कोई कैमराज है जिन्हें अभी भी Micro USB के साथ रहते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया है। चलो इसे भी ओपन करते हैं। अब ये है केबल तीसरी, ये है Type-C to Type-C। अब ये नए चार्जर्स और नए फोन्स के लिए जो आजकल आ रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। चलो इसे भी ओपन करते हैं। और अब है Type-A to Type-C, ये पुराने अडैप्टर के साथ भी सपोर्ट करती है और ये देखिए टैंगल फ्री वगैरह इसके पीछे भी लिखा हुआ है। और Type-A to Type-C अच्छी है अगर आपके पास पुराने अडैप्टर है, कुछ फोन आज भी इसी अडैप्टर के साथ आते हैं। साथ के साथ ये PC में कनेक्ट लगी बहुत बढ़िया है। तो चलिए देखते हैं, ये भी अच्छी क्वालिटी की ही है, ऑब्वियसली बात है Duracell की सारी सेम ही क्वालिटी की है। और उसके बाद जो लास्ट केबल है दैट इज USB A to Micro, तो ये पुराने वाले फ़ोनों के साथ आती थी मेजरली, लेकिन अगर आपके पास कोई कैमराज वगैरह है, मेरे पास कुछ कैमरा है जो आज भी यही सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए मैंने ये मंगवाई है स्पेशली। तो फाइनली ये हैं वो 5 केबल्स जो मैंने मंगवाई है, ऑर्डर करी है। तो जैसे कि इनके डब्बों पर भी लिखा हुआ है कि इनकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी तो ये है कि ये टैंगल फ्री हैं, टफ ब्रेडिंग की गई है इनके अंदर, मतलब इसके ब्रेडेड केबल हैं तो जल्दी से टूटेंगी नहीं, ड्यूरेबल हैं, ऑब्वियसली बात है इतनी जब टैंगल फ्री है, टफ ब्रेडिंग है तो ये काफ़ी देर तक चलेंगी। और हर किसी की अपनी रेटिंग लिखी हुई है इसके ऊपर कि ये 3 एम्पीयर की करंट लेंगी, 5 एम्पीयर करंट लेंगी, तो आप अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं क्योंकि ये फास्ट चार्जर वगैरह में थोड़ी सी मैटर करती हैं। सो वैसे अनबॉक्सिंग में ज़्यादा कुछ खास था नहीं, तो ये केबल्स लिटरली क्यों अच्छी लगी, मैं क्यों इसे रिकमेंड करता हूँ, मैं इसके बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले तो बाकी एडवांटेज तो बाद में रहे, मुझे इनका जो कलर कॉम्बो है वो बहुत ही यूनिक लगा, जो है ब्लैक और ये कॉपर गोल्ड सा है, गोल्ड है पता नहीं कौन सा कलर है। आपने Duracell देखा है तो उन्होंने वही अपना जो लेजेंडरी कलर है वही अपना रखा है और ये लिटरली बहुत अच्छा लगता है दिखने में, ये कहीं से भी आपको चीप केबल्स नहीं लगती। तो मैं धीरे धीरे इसके एडवांटेज बताता हूँ। तो फर्स्ट है इसकी बिल्ड क्वालिटी, मतलब जिस हिसाब से ये केबल बनाई गई है तो जैसे कि लिखा हुआ है कि बहुत ही अच्छे मटेरियल से बनी हुई है, ब्रेडेड है तो ये आसानी से टूटेगी नहीं। और ये लिटरली मुझे लाइक सबसे ज्यादा जो मैंने यूज करी है लाइटनिंग वाली है और ये बहुत ही बढ़िया है, लगभग इसे 10,000 टाइम्स बेंड करके उन्होंने टेस्ट किया है तो ये नहीं टूटेगी। और इसके जो कनेक्टर्स है वो भी काफी सॉलिड है एज कम्पेयर टू जो एप्पल की रेगुलर आती है। अगर आप इस पर देखेंगे तो थोड़े से निशान दे रखे हैं उन्होंने जिससे ये काफी ज्वाइंट्स पर भी मजबूत है। तो सबसे पहली चीज जो इसके अंदर अच्छी है दैट इज इसकी बिल्ड क्वालिटी। सेकेंड थिंग जो मुझे इसके अंदर अच्छी लगी है कि इसकी डाटा ट्रांसफर स्पीड बहुत तेज है, मतलब अगर आप इससे PC के ऊपर अगर अपनी फोटोज या वीडियोस ट्रांसफर करोगे आईफोन की तो बहुत जल्दी ट्रांसफर होगी। और ये सभी केबल की जो ट्रांसफर स्पीड है वो बहुत ही अच्छी है, तो ये दूसरी चीज है जिसके लिए आपको जाना चाहिए। थर्ड थिंग जो मुझे इसकी अच्छी लगी दैट इज इसका प्राइस, इसका प्राइस उन्होंने बहुत ही सही रखा है। अगर आप और किसी कंपनी की भी लोगे तो वो इतनी सस्ती नहीं मिलेगी, लाइटनिंग की बात करूं। और बाकी सब केबल्स की भी बात करता हूं जो उन्होंने प्राइस रखे हैं बहुत जेन्युइन रखे हैं मेरे हिसाब से,
है क्योंकि ड्यूरासेल एक छोटा ब्रांड नहीं है जैसे कि आपको पता है। तो लिटरली ये बहुत प्रीमियम केबल्स हैं। अब आप सोचोगे कि यार मैं वो क्यों नहीं ले लेता जो लोकल स्टोर पे मिलती है ब्रेडेड। तो देखिए वो ब्रेडेड बेशक होती है लेकिन वो इतने अच्छे क्वालिटी के मटेरियल की नहीं बनी हुई है। जैसे मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया कि ये बहुत अच्छे मटेरियल की बनी हुई है तो लिटरली ये बहुत ही बढ़िया है। और दूसरी चीज जो उनकी चार्जिंग स्पीड होती है, जो डाटा ट्रांसफर की स्पीड होती है, वो इतनी अच्छी नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये M5 सर्टिफाइड है। अगर मैं बात करता हूँ एप्पल लाइटनिंग की, तो M5 सर्टिफाइड का मतलब है कि ये आपके एप्पल की जो प्रोडक्ट्स है उसे नुकसान नहीं करेंगी। आप चीप लोगे तो वो आपके एप्पल के जो फोन्स हैं उसके जैक को बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं क्योंकि वो कई बार साइज थोड़ा छोटा बड़ा होता है, जिसकी वजह से दिक्कत आ जाती है। वैसे मैंने एक और रिव्यू डाला था, मैं टस्कर केबल के बारे में बात करी थी, लेकिन वो कंपनी इतनी बड़ा नहीं है, ड्यूरासेल उससे बड़ी कंपनी है। और सेम केस है अगर इसके आपके कोई भी केबल लोगे, जैसे कि ये केबल्स मैं अपने कैमरे के साथ भी यूज कर रहा हूँ और आप भी यूज कर सकते हो। तो कैमरे के साथ यूज कर रहा हूँ और जब बाकी मेरे इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरी उनके साथ मैं यूज कर रहा हूँ, तो लिटरली ये केबल्स बहुत अच्छी है। और जिस हिसाब से ये डिजाइन की गई है और जिस हिसाब से बनी है, तो मैं कोई भी रिग्रेट नहीं करता। अगर आप इन केबल्स को खरीदना चाहते हैं तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके खरीद लीजिए। इसके साथ साथ मैंने एक कार चार्जर भी मंगाया है और एक वायरलेस चार्जर भी मंगाया है, तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वो वीडियो मैं जल्दी आपके लिए लेके आऊंगा। बाकी ये केबल्स नो डाउट बहुत अच्छी है, आप इसके लिए जा सकते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये काफी अच्छी परफॉर्मेंस देंगी आपको और ये अमेजन पे अवेलेबल है। और आप और भी रिव्यूज चेक कर सकते हैं, लोगों ने बहुत रिव्यू पोस्ट करे हैं। लिटरली वन ऑफ दी बेस्ट केबल्स लगी मुझे। और ड्यूरासेल जैसे आपको पता है बहुत ही अच्छी कंपनी है टर्म्स ऑफ बैटरी। अगर आप सेल की बात करते हो, ड्यूरासेल जो है वो आम सेल से बहुत लिटरली बहुत ज्यादा चलता है। तो लिटरली ये केबल्स बहुत अच्छी है। और अगर आपके अभी भी कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे डीएम कर सकते हैं। लेकिन ये केबल्स बहुत अच्छी है। और जो इनका कलर कॉम्बो है, इसका ये फायदा तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि ये दिखने में सुंदर है, दूसरा ये है कि अगर आप व्हाइट केबल्स लेते हो थोड़ी गंदी हो जाती है, ये गंदी नहीं होगी। तो ये भी एक एडिट बेनिफिट आप लगा लीजिए। बाकी ओवरऑल ये इनका मेरा एक रिव्यू था और ये बहुत ही बढ़िया है। सो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जिसमें मैं ड्यूरासेल के कार चार्जर्स के बारे में बात करूंगा और वायरलेस चार्जर के बारे में। अगर आपको और वीडियोस चेकआउट करनी है मेरे इस चैनल पर एप्पल से रिलेटेड या स्मार्टफोन से रिलेटेड, तो वो भी इस चैनल पर आपको मिल जाएंगी। ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियो भी आपको मिल जाएंगी और बहुत सारी वीडियो इस चैनल पर है, आप उसे देख लीजिए। अगर कॉन्टेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी कोई पूछ रहा था केबल्स के बारे में कि थर्ड पार्टी आप लेने का सोच रहे हो, तो इससे बड़े केबल्स तो मेरे हिसाब से आपको नहीं मिलेगी। थोड़ी महंगी आप लगा सकते हो लेकिन वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि जिस क्वालिटी की बनी हुई है इतना प्राइस तो डिजर्व करती है। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन सब्सक्राइब करते जाओ यार। बाय बाय।